फ्रेंड्स आप देख रहे हैं सोशल मीडिया का सबसे विश्वसनीय स्वास्थ्य चैनल। हेलो दोस्तों, क्लिनिक करने के बाद जल्दी से आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ स्वस्थ जन समृष्ट, और ये वीडियो पेरेंट्स के काम आएगा और बच्चों के। इस वीडियो में वे अभिभावक और बच्चे जो कि बायोलॉजी से स्कूलिंग कर रहे हैं, 11th 12th कर रहे हैं और डॉक्टर बनने के इच्छुक हैं, उनके विषय में मैं उनकी हेल्प के लिए उन्हें मैं इस प्रोफेशन से संबंधित एक सीरीज 3-4 वीडियो की बनाने वाला हूँ, जिससे कि वे समझ सकें कि भीतर से मेडिकल प्रोफेशन कैसा है, इसका एंट्रेंस टेस्ट या प्रक्रिया कैसे इसमें आने की, इसमें खर्च कितना आता है, इसमें करियर प्रॉस्पेक्ट्स कैसे हैं, सेटिस्फेक्शन क्या है, इसमें समस्याएं क्या हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं वगैरह वगैरह। तो आपके जो क्वेश्चंस होंगे उनके उत्तर भी मैं कमेंट बॉक्स में दूंगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। एक ऐसा बच्चा जो कि डॉक्टर बनने के लिए इच्छुक है, वो उसे 10th या 11th से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए आजकल। आजकल इसका एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है ऑल ओवर इंडिया लेवल पर, जिसे नीट कहते हैं। हमारे समय में PMT होता था, और नीट में लगभग लगभग 54,000 सीट हैं, जो कि बहुत बढ़ गई, हमारे समय में बहुत कम हुआ करती थी। अभी 54,000 सीट हैं, और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस भी खुल रहे हैं, तो सीट्स की संख्या में इजाफा हो रहा है, लेकिन डॉक्टर्स की जरूरत अभी भी भारत को और भी कहीं ज्यादा है। तो MBBS में प्रवेश नीट परीक्षा से होगा, 12th के बाद ये परीक्षा होती है। एज लिमिट 17 साल से 25 साल के बीच का स्टूडेंट होना चाहिए, और मैं कहूंगा कि मैक्सिमम 3 अटेम्प्ट से ज्यादा देना कोई अर्थ नहीं, क्योंकि मेडिकल प्रोफेशन ऑलरेडी बहुत लंबा प्रोफेशन है, बहुत लंबी पढ़ाई करनी होती है। तो यदि आप 3 अटेम्प्ट में सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं, तो बेहतर है कि अपना बैकअप प्लान दूसरा रखें, और बैकअप प्लान क्या होना चाहिए वह भी मैं अपने वीडियो सीरीज में बताऊंगा, बशर्ते कि आप लोग इसे देखें और शेयर करें। तो बात है कि ये बच्चा जो बायोलॉजी मैथ्स फिजिक्स सॉरी बायोलॉजी केमिस्ट्री और फिजिक्स लिया होना चाहिए 11th 12th में, और सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट जो होता है, यूजली मैंने देखा है कि केमिस्ट्री बहुत स्कोरिंग होता है यदि कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो तो, और बायोलॉजी फिजिक्स तो इम्पोर्टेंट है ही, और थोड़ा इंग्लिश भी आनी चाहिए, एक मिनिमम पासिंग मार्क्स, ठीक है। अब आती है बात कि नीट में सपोज बच्चे ने दिया और वो सेलेक्ट हो गया, तो सेलेक्ट में उसकी रैंक होगी, रैंक के अनुसार उसको ऑल ओवर इंडिया में विभिन्न कॉलेजेस मिलेंगे। मैक्स इसके अलावा एम्स के लिए एक अलग एंट्रेंस होता है, कुछ सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे जिपमर है, एम्स है, इनके लिए अलग से एंट्रेंस लेते हैं ये लोग, ये नीट में इनकी सीट्स नहीं होती हैं। लेकिन आपको बताऊं कि MBBS लेवल पर एम्स में पढ़ना या बहुत ही बड़े इंस्टीट्यूट्स में पढ़ना जरूरी नहीं है बिल्कुल भी करियर के लिए। MBBS किसी भी ऑर्डिनरी गवर्नमेंट कॉलेज से कीजिए, बहुत है। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए बेटर इंस्टीट्यूट्स में जाना होगा, और पोस्ट ग्रेजुएशन जिसे MD MS वगैरह कहते हैं, उसके बाद DMMCH वगैरह सुपर स्पेशलिटी, ये बेहद जरूरी है आजकल, सिर्फ MBBS रहने से काम नहीं चलता। तो मैं तो ये कहूंगा कि आपका जो भी शहर है पास में, वहां पर MBBS करें और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाएं। एम्स में सिलेक्शन होता है तो बहुत बेहतर है, लेकिन वो मैंडेटरी नहीं है, उसके बिना भी मैंने देखा है कि बहुत अच्छा करियर रहता है जो लोग, मैं खुद एम्स में रहा हूं, तो एम्स में से पास आउट लोग से भी बेहतर हो सकता है कोई ऑर्डिनरी कॉलेज से किया हुआ MBBS लड़का, बशर्ते कि वो आगे बेहतर ट्रेनिंग ले, ठीक है। तो पहले तो इस मिथ को अलग कर दीजिए कि आपका सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ एम्स में ही होना चाहिए। एम्स में सिलेक्शन बेहद कठिन है, बहुत कम सीट्स हैं, बहुत ही कम, मेरे ख्याल से 20 सीट्स होंगी, मुझे अभी इसकी सही मैं एग्जैक्ट फिगर नहीं बता सकता, लेकिन बहुत कम सीट्स हैं। तो बात यह है कि आपने नीट दिया, नीट एक कठिन परीक्षा है, आपको तैयारी करनी है, और उसके बाद आपका सिलेक्शन हो गया, आपने एक कॉलेज में एडमिशन ले लिया MBBS में, ठीक है। अब MBBS में आपको 5.5 साल पढ़ना है, जिसमें से 4.5 साल जो है वो MBBS की थ्योरी पढ़ाई होगी, कुछ प्रैक्टिकल्स होंगे, और साथ में 1 साल आपको इंटर्नशिप करनी होगी 4.5 साल के बाद। इंटर्नशिप में कुछ स्टाइपेंड मिलने लगता है, 3-4 हजार रुपए। अब मैं आपको बताऊं कि नीट से जब आप सेलेक्ट होंगे तो उसमें लगभग 400 कॉलेजेस हैं इंडिया में मेडिकल कॉलेजेस, में से 200 गवर्नमेंट होंगे, 200 प्राइवेट होंगे, तो गवर्नमेंट वाले में आप आने की कोशिश कीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेजेस की ट्रेनिंग कहीं बेहतर है, फैकल्टीज कहीं बेहतर हैं, और साथ ही साथ में फीस नहीं के बराबर है। मैं जब पढ़ता था तो
तो मेरी 3,000 रुपये सालाना फीस थी। अभी ये फीस अलग अलग राज्यों में वैरी करती है, 10,000 से लेके 1,00,000 रुपये सालाना तक। और जैसे मध्य प्रदेश में तो एक फैसिलिटी दी हुई है मुख्यमंत्री, एक योजना है जिसमें कि यदि बच्चे के 12th में 75% गवर्नमेंट स्कूल से या 80% CBSE स्कूल से या अन्य बोर्ड से हैं अधिक मार्क्स 12th में, और वो कोई भी कॉलेज में क्वालिफाई कर लेता है, तो उसको फ्री गवर्नमेंट एजुकेशन देती है, उसकी फी खुद गवर्नमेंट भरती है। तो इसलिए बेहतर होगा कि कोशिश करें कि गवर्नमेंट में ही आपका सिलेक्शन हो। प्राइवेट में आपके पेरेंट्स को बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ेगा और साथ में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी उतना अच्छा नहीं होता, प्रेस्टीजियस भी नहीं होता है। और साथ ही साथ में यदि आप बहुत खर्च करके डॉक्टर बनेंगे तो आप फिर कमाने की, ज्यादा कमाने की या रिकवर करने की टेंडेंसी रखेंगे, जो कि हमारे देश के लिए, एक इंडिविजुअल के लिए भी अच्छा नहीं। क्योंकि डॉक्टर बनते समय पहला जो फोकस है वो सेवा भावना, प्रोफेशन है, मैं बताऊंगा इसमें सैलरी क्या है, बहुत अच्छा मनी है इस प्रोफेशन में, लेकिन पहला जो इंटेंशन है डॉक्टर का वो ये होना चाहिए कि मुझे सेवा करनी है, मुझे लोगों का दिल जीतना है। तो और यदि हम पैसा बहुत करोड़ों रुपए, लाखों रुपए लग जाते हैं प्राइवेट कॉलेजेस में, तो उसमें फिर हमारा इंटेंशन बदल सकता है, फोकस बदल सकता है। तो कोशिश कीजिए कि गवर्नमेंट कॉलेज से आपको सीट मिले। अब आप सपोज MBBS हो गए, MBBS जब हो जाते हैं तो इसके बाद बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। एक तो MBBS के कुछ लोग आजकल IAS भी देने लगे हैं, जो मुझे नहीं पता कितना अच्छा है कितना सही। मैं खुद अध्ययन करूंगा, बताऊंगा, कंपैरिजन करूंगा आपको, IAS बेटर है कि मेडिकल प्रोफेशन बेटर है। तो उसको ग्रेजुएशन की तरह कुछ, बहुत कम स्टूडेंट्स हैं, ज्यादातर लोग MD MS के लिए प्रिपेयर करते हैं, और इसके लिए भी एक कठिन परीक्षा होती है जिसे PPG कहा जाता है। और एम्स का भी अलग से एंट्रेंस होता है, PGI चंडीगढ़ का अलग से एंट्रेंस होता है, तो ऐसे SGPGI में भी होता है, हालांकि वो सुपर स्पेशली ज्यादा है। तो कुल मिलाकर यह है कि आपको फिर से प्रिपेयर करना है आफ्टर योर इंटर्नशिप। तो यूजली इंटर्नशिप के दौरान में बच्चे प्रिपेयर करना शुरू कर देते हैं, टफ कॉम्पिटिशन होता है क्योंकि MBBS स्टूडेंट्स ज्यादा हैं और PG सीट्स बहुत कम है, तो बहुत टफ होता है। पर ज्यादातर जो भी बच्चे प्रिपेयर करते हैं स्टूडेंट्स, फर्स्ट अटेम्प्ट में, नहीं तो सेकेंड अटेम्प्ट में, और कुछ थर्ड अटेम्प्ट तक में MD में प्रवेश कर जाते हैं। तो हुआ ना लेंदी। अब देखिए, इसमें एक मिथ जरूर है कि हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं, खुद डॉक्टर्स भी, कि बहुत लंबी पढ़ाई करनी पड़ती है, लेकिन बस एक थोड़ा सा डिफरेंस है, वो ये कि बाकी किसी भी प्रोफेशन में, इंजीनियरिंग हो या किसी में भी, जब पोस्ट ग्रेजुएशन आप करते हैं तो आपको हैंडसम अमाउंट ऑफ स्टाइपेंड नहीं मिलता, जबकि MD MS जब आप कर रहे होते हो तो अलग अलग राज्यों में 35,000 रुपये से लेके दिल्ली में 90,000 रुपये महीना तक आपको स्टाइपेंड मिलता है MD MS करते समय। तो एक वो लड़का शादी भी कर सकता है, यूजली डॉक्टर्स उस दौरान ही अफेयर हो जाता है दो डॉक्टर्स में, और शादियां हो जाती हैं डॉक्टर्स की उस दौरान में, वो इन्हीं पैसे से, कि लड़की गायनेकोलॉजिस्ट है, मेरी वाइफ गायनेकोलॉजिस्ट है, मैं पीडियाट्रिशियन हूँ, और हम दोनों यदि इस समय MD कर रहे हो दिल्ली से, तो या MS कर रहे हो, तो 90,000 रुपये हमें स्टाइपेंड मिलेगा, आराम से अपने घर को चलाने में यूज कर सकते हैं। तो डॉक्टरी में बहुत लंबा लेंदी पीरियड है पढ़ाई का, लेकिन उसके पैसे मिलने लगते हैं पढ़ाई करने के, क्योंकि आप उस वक्त काम कर रहे होते हैं, पेशेंट केयर कर रहे होते हैं, इसलिए आपको सभी लोग पैसे देते हैं अच्छे खासे। तो इसके बाद DMMCH जब आप करते हैं सुपर स्पेशलिटी, जैसे कार्डियोलॉजिस्ट बनना है, न्यूरोलॉजिस्ट बनना है, तो उस समय भी आपको अच्छा खासा स्टाइपेंड मिल रहा होता है, एक चीज। दूसरा, बहुत सारी ब्रांचेस हैं, जैसे मैं पीडियाट्रिशियन हूँ, गायनेकोलॉजिस्ट है मेरी वाइफ, या इसके बाद फिर MD मेडिसिन है, डर्मेटोलॉजी है, रेडियोलॉजी है, ऐसे कई ब्रांचेस में आपको अपने अपने एप्टीट्यूड के हिसाब से और अपनी रैंक, PPG में रैंक के हिसाब से, जैसे कुछ ब्रांचेस बहुत ऊपर जाती हैं, जैसे MD रेडियोलॉजी, मेरी ब्रांच MD पीडियाट्रिक्स, ये काफी ऊपर जाती हैं काउंसलिंग में। तो या सर्जरी मिथ है, लोग सोचते हैं कि सर्जन MS सर्जरी यूजली नीचे जाती है, तो ऐसे कई काउंसलिंग में डिसाइड होता है। साथ में इस समय कॉलेजेस इंपॉर्टेंट है, इस समय आपका जितना अच्छा कॉलेज होगा उतना अच्छा होगा। जैसे एम्स यदि आपको मिल जाए तो वहां की ट्रेनिंग आउटस्टैंडिंग है, वो किसी भी और अन्य कॉलेज से, जैसे PGI चंडीगढ़ हुआ, एम्स हुआ, KEM हुआ, मुंबई हुआ, SGPGI लखनऊ हुआ, इनकी ट्रेनिंग बाकी कॉलेजेस की तुलना में डेफिनेटली बेटर है। लेकिन दुखी होने की बात नहीं, बाकी कॉलेज यदि किसी को मिलते हैं तो भी वो बाद में भी इन इंस्टीट्यूट्स में जाकर फर्दर ट्रेनिंग ले सकता है और अपने आप को बेहतर बना सकता है। तो ये थी बात एजुकेशन की। अब ऑप्शंस और क्या होते हैं करियर ऑप्शन, तो देखिए PG करना बेहद जरूरी है। PG के बाद लोग बाहर भी जा सकते हैं, जैसे US, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में मेरे कई मित्र हैं, कुछ स्टूडेंट्स भी मेरे वहां पर सेटल्ड हो चुके हैं। तो ये प्रोफेशन बहुत छोटे गांव से लेकर अमेरिका तक सेटल होने का आपको मौका देता है, और इसकी ये
मुझे इसमें सबसे अच्छी बात यही रहती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं सोचता हूँ, यदि मैं आईएएस होता तो मैं अपनी मनपसंद जगह नहीं रह सकता था, इस प्रोफेशन में मैं जहां चाहूँ वहां रह सकता हूँ। हालांकि इसके बहुत सारे डाउनफॉल भी हैं, इस प्रोफेशन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हैं, उन पर भी मैं फोकस करूंगा अपने अगले वीडियोज में बताऊंगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स या क्या क्या चैलेंजेस हैं। साथ में ये भी बताऊंगा कि एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए क्या कैपेबिलिटीज और क्या क्वालिटीज होना चाहिए, आप में गुण होना चाहिए, ठीक है, और सफल डॉक्टर बनने के तरीके क्या है। तो पहले ये बताइए कि ये प्रयास कैसा लगे, शुरुआत कैसी लगी, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।